हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बाली की क्लास एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है सर साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट रिलेटेड, और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन करना है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन जो हमारा आया है, ये आया है साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो जो है आपको साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशंस के लिए जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। और ये गुड अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो जो है लाइक जो है साइंटिस्ट भी या आप जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन जो है वो लोड हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आपका जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट भी ग्रुप वन की पोस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप थ्री की पोस्ट को यहाँ पे जो है निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो टोटल पोस्ट जो है साइंटिस्ट बी की 4 है और टेक्निकल असिस्टेंट की 3 है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है SNEBC में आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी साइंटिस्ट बी में, और असिस्टेंट ग्रुप में 3, सॉरी टेक्निकल असिस्टेंट में भी 2 मिलेगी, वहीं SC में 1 पोस्ट मिलेगी। तो टोटल यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2, और इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1, और आपका मैरान बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1। तो टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट जो रहेगी वो आपकी रहेगी साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए रहेगी, या फिर साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 के लिए आपको यहाँ पे जो 3 पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने जो है पोस्ट बता दिया कैटेगरी वाइज कि आपको यहाँ पे क्या पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट बी के लिए जो है जो कि ग्रुप 1 की है, तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है और वहाँ पे आपका रहना चाहिए एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे आपका PhD तो साइंस एनिमल सॉरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वेटरनरी साइंस फार्मेसी में होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या वेटरनरी साइंस में होना चाहिए। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका MSc या PhD जो अगर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एनिमल साइंसेस में, तो आपको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज जो है वो मैक्सिमम आपकी 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, यानी एक पे आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चाहे आपको वो CCC आप ले सकते हैं या ओ लेवल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है जिससे कि आपको पता चले कि आपको कंप्यूटर जो है वो आता है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे मांगा है। कैंडिडेट शुड हैव एडुकेटेड नॉलेज इन गुजराती और हिंदी और बोथ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको गुजराती या हिंदी आपको आती है तो आपको यहाँ पे जो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो पे स्केल जो आपका रहेगा वो 53,100 से 177,500, जो कि लेवल 10 का रहेगा एज पर 7 पे कमीशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। वही ग्रुप साइंटिस्ट भी ग्रुप 1 में, तो यहाँ पे देखिए एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का हो गया। दूसरा जो आपका इंडस्ट्रियल या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, तो यहाँ पे आपका PG अगर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में है या PhD आपका एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में है तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह एज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है कि 40 ईयर से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो 40 ईयर से आपकी लेस एज होनी चाहिए। हिंदी और गुजराती अगर आपको दोनों आती तो अच्छी बात है, अगर एक आती है तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट जो है वो आपको मैरान बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर आपका PG जो है वो मैरान बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और PhD भी आपका जो है मैरान बायोटेक्नोलॉजी में है, तो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका साइंस किसी भी साइंस में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है तब भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा कि अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैरान बायोटेक्नोलॉजी में है तो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में, तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वेटरनरी साइंस फार्मेसी और एनी अदर सब्जेक्ट मेंशन इन द एनेक्स 4। ठीक है, यहाँ पे एज आपका नॉट मोर देन 37 ईयर्स होना चाहिए।
ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपका ओ लेवल या ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे जो है आपका मंथली फिक्स पे का, तो वो आपको 38,090 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस के लिए। इसके अलावा हम और देख लेते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा या वो आपको कैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो एनेक्जर वन में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है तो अच्छी बात है, अगर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो अगर आपके पास एनिमल जेनेटिक्स है, एनिमल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तभी आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर पोस्ट के लिए इन्होंने अलग से एनेक्शन निकाल रखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है सिलेबस, तो यहाँ पे जो सिलेबस है फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो यहाँ पे आपका साइंटिस्ट बी के लिए जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर का 10 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का 10 मार्क्स रहेगा, और जनरल नॉलेज गुजरात की, यानी कि आपको गुजरात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, तो ये सारे का टॉपिक जो है उसमें आपको यहाँ पे 15 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल जो आपका मार्क्स रहेगा वो 35 मार्क्स रहेगा, वो रहेगा आपका पार्ट वन में जो कि गुजराती मीडियम है, दूसरा है पार्ट टू इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज, यानी कि यहाँ पे आपको सबके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 65 मार्क्स रहेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 100 मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे टोटल आपका रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम में। पार्ट वन एंड पार्ट टू शैल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ पे पार्ट वन पार्ट टू जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एवरी अटेम्प्टेड क्वेश्चन विद इनकरेक्ट मार्क्स, और यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसके लिए आप अच्छे से जो है इसके लिए अप्लाई करिएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन करिएगा ताकि आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्क, आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेन टेस्ट, वो तो आपका प्रीलिमिनरी हो गया, दूसरा आपका अब नेक्स्ट आएगा मेन टेस्ट। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपको जो है यहाँ पे मेन एग्जाम देना पड़ेगा, और मेन एग्जाम का जो है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से जो है 200 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू टाइप ही रहेंगे, एमसीक्यू टाइप, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो है निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस फॉर द मेन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी, तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के बेस पे जो है आपको यहाँ पे मेन मेन जो है टेस्ट है वो देना पड़ेगा। प्रीलिम्स विल बी सेम बट एंड मेन टेस्ट विल बी डिफरेंट फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आपका यहाँ पे सेम ही है जो आपका साइंटिस्ट भी का है, तो यहाँ पे जो है आपको सेम एग्जाम आपका रहेगा, यानी पैटर्न जो है वो सेम रहेगा जैसा आपने साइंटिस्ट भी के लिए देखा था। तो यहाँ पे भी प्रिलिमिनरी का जो पार्ट वन है वो 35 मार्क्स का है, और तो पार्ट टू है वो आपका 65 मार्क्स का है। तो टोटल आपको 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा प्री का, और यहाँ पर भी आपकी जो लाइक निगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 मार्क्स रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मेन टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपके मेन टेस्ट में जो रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें पार्ट वन गुजराती मीडियम रहेगा, तो यहाँ पे आपका गुजराती लैंग्वेज ग्रामर का 25 मार्क्स रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का 25 मार्क्स रहेगा। तो ये डिफरेंट है साइंटिस्ट पोस्ट से, तो यहाँ पे जैसे कि साइंटिस्ट पोस्ट में आप देखा था कि आपका जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन थे वो आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपके मेन में भी जो है आपको यहाँ पे गुजराती के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी पार्ट वन जो आपका गुजराती मीडियम रहेगा, पार्ट टू आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, तो इन टॉपिक्स से जो है आपको यहाँ पे 150 मार्क्स जो है उसका जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो टॉपिक्स उन्हें मेंशन कर रखे हैं फंडामेंटल बायोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो इन सब के लिए आपको यहाँ पे पूरे 14 टॉपिक जो वो देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हम बात करें तो पार्ट वन पार्ट टू का आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का जो है आपका पेपर रहेगा, और यहाँ पे जो है आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपको MCQs की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।